मेरे को जहाँ तक याद है मेरा बचपना छोड़ के उसके बाद में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि ऐसा कोई लंबा लॉकडाउन आया हो। नोटबंदी बीच में आई थी तो नोटबंदी में लोग परेशान थे, लेकिन ऐसी खतरनाक सिचुएशन कभी नहीं है, इतनी लंबी चलने वाली बीमारी जैसा नहीं था वो, ऐसा लंबा लॉकडाउन पहले कभी नहीं हुआ। और मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में कम से कम 4 से 6 महीना रुक गया है का फाइनेंशियल पोजीशन, तो मॉल में जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी है उसमें कुछ राहत दे, हर चीज़ में मतलब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और राहत देनी चाहिए। साहिद सर, आपको क्या लगता है कि जो डिसीज़न लिया गया था लॉकडाउन का और लॉकडाउन जो अभी यहाँ तक पहुँचा है, उससे कुछ फ़ायदा हुआ है? मतलब जो रिकवरी, हमने सुना कि रिकवरी केसेस बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब केसेस बहुत कम थे, लॉकडाउन के बाद डबल ट्रिपल होते गए, तो आपको क्या लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ लॉकडाउन से रिकवरी में या कोरोना में कुछ फ़ायदा हुआ या क्या? देखिए, ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, इसके बारे में एज अ सेक्रेटरी ऑफ मॉल मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कमेंट करूँ, बट यस, डिफ़िकल्टी तो काफ़ी हुई है, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, तो हमारी तो गवर्नमेंट से ये अपील होगी कि जैसे हमारे चेयरपर्सन ने कहा है कि हमें अगर प्रॉपर्टी टैक्स में राहत मिलती है तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री उद्धव ठाकरे जी। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने कर्व किया है इस पैंडेमिक को, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई थैंक आवर चीफ मिनिस्टर एंड आवर एरिया MP MLS एंड स्पेसिफिकली श्री असलम शेख जी जो गार्डियन मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी काफ़ी तौर पर काम किया है, और हमने सुना न्यूज़ में कि उनको भी एक इसी बीमारी से जूझना पड़ा, बट थैंकफुली ऊपर वाले ने उनको इससे अच्छा कर दिया है, एंड माई बेस्ट विशेज टू श्री असलम शेख सर जी, क्योंकि पर्सनली ही हैज़ हेल्प द रघुलीला मॉल अलॉट, तो वंस अगेन थैंक यू सर असलम शेख जी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। हम फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ और एक नई न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिए स्टार मैक्स TV न्यूज़ के साथ।